राम और राशन, राम के नाम पर दंगे, नफरत, औरतों पर अत्याचार, लाशों को नदियों में बहाना और राशन के नाम पर भीख। और उत्तर प्रदेश को यही विकास लगता है। 1991 के बाद उत्तर प्रदेश वैश्विक सोच से 100 साल पीछे जा चुका है। दुनिया में उत्तर प्रदेश की इमेज क्या है ये सबको पता है। आदित्यनाथ ने बोला था कि बदला लेने के लिए दूसरे कौम की 100 लड़कियों का अपहरण किया जाएगा। ऐसी घृणित आपराधिक सोच वाला व्यक्ति विकास नहीं संपूर्ण विनाश जरूर कर सकता है। मोदी जी ने कहा उत्तर प्रदेश भारत की समृद्धि का मार्ग है। इसे कहते हैं अविकसित दिमाग वाला पीएम जो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा जानते हुए भी सरेआम झूठ बोलते हैं। NITI आयोग ने जून 2021 में उत्तर प्रदेश को अविकसित राज्य बोला है। भुखमरी, शिक्षा, बच्चों और औरतों के हालात, रोजगार, सबसे फिसड्डी राज्य। NITI आयोग की लिस्ट में उत्तर प्रदेश नीचे से चौथे स्थान पर है। मोदी जी की एक और कॉमेडी सुनिए। जब मोदी जी 2022 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की फुहड़ कॉमेडी करते थे, तब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का कॉमेडियन डायलॉग भी फेंका था। पूछिए मोदी से कि कब उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन बनेगी। मोदी योगी गैंग ने उत्तर प्रदेश में बर्बादी का नाम विकास रख दिया है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता इस विनाश की हकदार है या नहीं, ये जनता पर छोड़ देना ही बेहतर है।